को पावर्ड बाय ग्रीन फ्लाई E0 चुनो, खुल के सांस लो। मेरे मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ममता बनर्जी भी ऐसी करते थे, सर पे ओढ़नी ओढ़ लिए, अल्लाह हू अकबर। अब बेचारा मुसलमान, अरे बोला ना, बोली अल्लाह अकबर बोली। पहले दीदी जन्ने बेचे आछी मुसलमान रा, सुने रेखे दाओ, तुम्हारा दीदी बेचे आछे मुसलमान देर जन्ने टा बोले गेलाम आज। मेरे मतुआ भाई मोदी मिथ्ये कथा बोलछे, मतुआरा अपनारा एदेशेर नागरिक, উদ্বাস্তুরা আপনারা এই দেশের নাগরিক। আমি সব উদ্বাস্তু করনি রিকগনাইজড করে দিয়েছি, রেজিস্টার করে দিয়েছি। मैं आज यहां आया हूं दीदी को कहने के लिए, दीदी आप विरोध करती हो सीए का, क्योंकि नाम शूद्र समाज, मतवा समाज और शरणार्थियों को नागरिकता मिलने वाली। मेरे श्री राम, जय श्री राम। तो इस समय इतनी चिड़ी हुई है, इतनी नाराज है, या वो कह रही है कि जय श्री राम बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। अरे चिड़ भाजपा से हो सकती है, हमसे हो सकती है, राम से क्यों? मतुआ मुसलमान का रंग फ्लिप तय करेगा बंगाल की जंग। गरीबों की दुश्मन ऐसी टीएमसी सरकार को जाना ही होगा। कोथाय छिले मोदी गुदी, कोथाय छिले मिथ्यावादी दल? दीदी এই বিজেপি সরকার আর বিজেপি সরকারের টিম মমতাকে আমরা বাংলা থেকে উৎখাত করে ছাড়বো। जब ममता बनर्जी चंडी पाठ पर सकती है तो हम इंशाअल्लाह ताला इस जलसे को खत्म करेंगे सूरे फातिहा पढ़ के। पंकी जंग में M2 का मास्टर कौन? नमस्कार, स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन और आप देख रहे हैं वंदे मातरम। बंग की जंग की लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है और M2 की बादशाहत हासिल करने के लिए अब जद्दोजहद भी तेज हो चुकी है। M2 यानी कि मतुआ और मुस्लिम। दरअसल आधी युद्ध की पूरी कहानी मैं आपको बताऊं तो आधे युद्ध में यह स्थिति हो चुकी है कि अब तक तो तमाम दांव पे चले जा चुके, लेकिन मतुआ और मुस्लिम दो ऐसे समुदायों की मैं बात कर रहा हूं जिस पर सबकी निगाहें और सत्ता के शिखर पर पहुंचाने के लिए दोनों सबसे अहम फैक्टर साबित हो सकते हैं और इन्हीं दोनों फैक्टरों को अब रिझाने की कोशिश में तमाम लोग जुड़ चुके हैं। दरअसल लंबे अरसे से अब तक सत्ता के रूप में सिर्फ इस्तेमाल किए जाने की बात इन दोनों के साथ जुड़ती रही, इसलिए ये M2 फैक्टर जो है इस वक्त सबसे अहम कड़ी बनकर आ चुका है। और बंग की जंग में आज दरअसल जब इस भद्र लोक में ये जंग आधा पहुंच चुका है तो ऐसे में अब क्या तस्वीर होगी, आज इसी पर हम करेंगे समीक्षा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बंधुगण আজকের যে আমাদের লড়াই, এ লড়াই ধর্ম যুদ্ধের লড়াই। জয় শ্রী রাম। আর কোন গুন্ডে কি হিম্মত নেই আর ব্যালটের খেলা হবে, আর বুলেটের বদলা হবে, গুলির বদলা হবে, আমার ভাইদের হত্যা করার বদলা হবে। ये छप्पा ভোট रुकने पर आपकी बौखलाहट अब सामने आई है, समस्या आपकी भड़काऊ बयानबाजी की है। बदमाश, विश्वासघातक, देश का चेहरा चिन्ह। अभी दीदी बौखलाई हुई, अभी अच्छी रॉयल बंगाल टाइगर। अरे दीदी, ओ दीदी, कि अवस्था काटते हो मौ करे লজ্জা করে না, আর নরেন্দ্র মোদি ক্লিন চিট দিয়ে চলে গেছে। যাহা জাতি হ্যাঁ বস মোদি কো গালিয়া দেতি রেতি হ্যাঁ। কোথায় ছিলে মোদি গুদি, কোথায় ছিলে মিথ্যাবাদী দল? এ লড়াই ধর্ম যুদ্ধের লড়াই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কে খিলাফ চল রহে বখলাহট মে মমতা কে শব্দ বার। নরেন্দ্র মোদি লজ্জা করে না, আম্পানি একটা টাকাও দেয়নি, মিথ্যা কথা বলেছে। बंग की जंग में ममता दीदी अब खुलेआम खेल रही हैं
वोट का मुस्लिम कार्ड और मुसलमान वोट को भाग करा चेष्टा करछे। यदि आपनारा एनआरसी ना चान, एनपीआर ना चान, क्या ना चान, बांग्ला हिंदू मुसलमान भाग करते ना चान, संख्यालघु भाई बोनेरा अमर ओदेर एकटा वोटो देबेन ना। सियासी वार पलटवार में ममता की भड़काऊ बोली अब देश के जवानों को भी नहीं बख्श रही। सीआरपीएफ नो एरा सीआईएसएफ एरा इंडस्ट्री पहरा दे एरा पब्लिक कंट्रोल करे ना তারপরে বলছে ক্লিনকি গুলি চালিয়ে ঠিকই করেছে গুলি চালিয়েছে সেলফ ডিফেন্সের জন্য কিসের ডিফেন্স ভদ্রলোক কে সিয়াসি সংগ্রাম মে মমতা খেল রহি হে ভগবা কে খিলাফ জমকর নফরত খেলা উত্তর প্রদেশের গুন্ডাদের সাজিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে এখানে কপালে তিলক কেটে একটা গেরুয়া ড্রেস পরে পানমোহর চিহ্নত চিহ্নতে আমাদের বাংলার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। मुस्लिम वोट के लिए अब्बास ओबैसी के खिलाफ दीदी का गाली खेला जारी है। और फुलपुरा शरीफेर एक चांगड़ा के लिए से कैक कोटी टाका खर्चा करे कम्युनल स्लोगान दिच्छे और हिंदू मुसलमान भागाभागी करार चेष्टा करछे। आखिर दीदी इतनी बौखलाहट में क्यों है? ममता बनर्जी का इस कदर बढ़ा हुआ पारा समूचे बंगाल समेत देश की सियासत में हैरानी का सबब बन चुका है। लेकिन दीदी के हाव भाव और उनकी भड़काऊ बोली का एक सिरा जिस M2 खेला में जुड़ता है आज हम उसे आपके सामने डिकोड करने जा रहे हैं। दरअसल बंग की जंग में सत्ता की चाबी उसी के हाथ जाएगी जो M2 खेला में जीत दर्ज करेगा। इस M2 खेला में मतुआ समुदाय है और सूबे की सियासत पर खासा दखल रखने वाले मुसलमान है। 17 अप्रैल को 5वें चरण के वोट युद्ध में इन्हीं दोनों की बड़ी अहमियत रहने वाली है। लेकिन अब इन पर सिर्फ दीदी की दावेदारी नहीं रही। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मथुआ को लेकर मजबूत सियासी बिसा तैयार कर रहे हैं। हरिचंद ठाकुर जी के प्रति आस्था रखने वालों का सम्मान उनकी है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बंधुगण आजकेर जे आमादेर लड़ाई ए लड़ाई धर्म युद्धेर लड़ाई। जय श्री राम। इस बार कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है आपके। ये छप्पा वोट रुकने पर आपकी बौखलाहट अब सामने आई है। समस्या आपकी भड़काऊ बयानबाजी की है। बदमाश विश्वासघातक देश का तेरा चेने ना। अभी दीदी बौखलाई हुई है। अभी अच्छी रॉयल बंगाल टाइगर। अरे दीदी, ओ दीदी की अवस्था কাছে হাওমাও করে লজ্জা করে না আর নরেন্দ্র মোদি ক্লিন চিট দিয়ে চলে গেছে। जहां जाती है बस मोदी को गालियां देती रहती है। কোথায় ছিলে মোদি গুদি? কোথায় ছিলে মিথ্যাবাদী দল? এ লড়াই ধর্ম যুদ্ধের লড়াই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কে খিলাফ চল রহে বখলাহট মে মমতা কে শব্দবার। নরেন্দ্র মোদি লজ্জা করে না? আম্পানি একটা টাকাও দেয়নি, মিথ্যে কথা বলেছে। বঙ্কি জঙ্গ মে মমতা দিদি আব খুলেআম খেল রহি হ্যায় ভোট কা মুসলিম কার্ড। আর মুসলমান ভোটটাকেও ভাগ করার চেষ্টা করছে। যদি আপনারা এনআরসি না চান, এনপিআর না চান, কে না চান, বাংলায় হিন্দু মুসলমান ভাগ করতে না চান, সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা আমার ওদের একটা ভোটও দেবেন না। সিয়াসি ওয়ার পলটওয়ার মে মমতা কি ভড়কাউ বোলি আব দেশ কে জওয়ানো কো ভি নহি বখশ রহি। সিআরপিএফ নো এরা সিআইএসএফ এরা ইন্ডাস্ট্রি পাহারা দেয় এরা পাবলিক কন্ট্রোল করে না তারপরে বলছে ক্লিনকি গুলি চালিয়ে ঠিকই করেছে গুলি চালিয়েছে সেলফ ডিফেন্সের জন্য কিসের ডিফেন্স ভদ্রলোক কে সিয়াসি সংগ্রাম মে মমতা খেল রহি হে ভগবা কে খিলাফ জমকর নফরত খেলা উত্তর প্রদেশের গুন্ডাদের সাজিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে এখানে কপালে তিলক কেটে একটা গেরুয়া ড্রেস পরে
मुस्लिम बोर्ड के लिए बस ओबीसी का खिलाफ दीदी का गाली खेला जारी है। আর ফুলফুলা শরীফের একটা চ্যাংড়াকে নিয়ে সে কয়েক কোটি টাকা খরচা করে কমিউনাল স্লোগান দিচ্ছে আর হিন্দু মুসলমানে ভাগাভাগি করার চেষ্টা করছে। আখির দিদি ইতনি বখলাহট মে কিউ হ্যায়? মমতা বনার্জি কা ইস কদর বড়া হুয়া পারা সমুচে বঙ্গাল সমেত দেশ কি সিয়াসত মে হেরানি কা সবাব বন চুকা হ্যায়। লেকিন দিদি কে হাও ভাও আর উনকি ভড়কাউ বোলি কা एक सिरा जिस M2 खेला में जुड़ता है, आज हम उसे आपके सामने डिकोड करने जा रहे हैं। दरअसल बंग की जंग में सत्ता की चाबी उसी के हाथ जाएगी जो M2 खेला में जीत दर्ज करेगा। इस M2 खेला में मतुआ समुदाय है और सूबे की सियासत पर खासा दखल रखने वाले मुसलमान हैं। 17 अप्रैल को 5वें चरण के वोट युद्ध में इन्हीं दोनों की बड़ी अहमियत रहने वाली है, लेकिन अब इन पर सिर्फ दीदी की दावेदारी नहीं रही। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मथुआ को लेकर मजबूत सियासी बिसात तैयार कर रहे हैं। हरिचंद ठाकुर जी के प्रति आस्था रखने वालों का सम्मान, उनकी हर भावना का सम्मान बीजेपी के बंगाल में होगा। दूसरी ओर मुस्लिम वोट बैंक पर अब दावेदारी हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी भी कर रहे हैं। बनर्जी असदुद्दीन का नाम दीन का शेर है, मेरा नाम भी शेर का है। शेर शेरनी का खेल अगर खेलना है तुम तैयार है? आप कोई भारत की रानी नहीं है, मोदी कोई भारत का राजा नहीं है कि ममता बनर्जी के खिलाफ बोले तो पैसे ले लिए, मोदी के खिलाफ बोले तो ये एंटी नेशनल है, जिहादी है। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा बास सिद्दीकी भी इस जंग में पूरे दमखम में जुटे हुए हैं, जिनका अरमान ममता को सत्ता से बेदखल करना है। জিতার দিকে চলে যাচ্ছি, তাই তারা আমাদের কাউন্ট টার্গেট করেছে। তবে বাংলার জনসাধারণ দেখছে, এই জনসাধারণ যখন খাবে মমতা ব্যানার্জি ওই হুইল চেয়ারতে উঠে কোথাও ছুটবে সে রাস্তা খুঁজে দেখতে বলে। मतलब एक और केसरिया ब्रिगेड मथुआ से दीदी की नागरिकता छल भर पर घेराबंदी कर रही है, साथ ही अब नागरिकता का वादा भी है। मैं आज यहाँ आया हूँ दीदी को कहने के लिए, दीदी आप विरोध करती हो CA का, क्योंकि नाम शूद्र समाज, मतवा समाज और शरणार्थियों को नागरिकता मिलने वाली है। तो मुस्लिम वोट बैंक के खेला करने की फिराक में असदुद्दीन ओवैसी और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा बास सिद्दीकी भी हैं, जो लगातार दीदी पर मुसलमानों के साथ छल करने का आरोप लगा रहे हैं। ममता बनर्जी भी ऐसी करते थे, सर पे ओढ़नी ओढ़ लिए, अल्लाह हू अकबर। अब बेचारा मुसलमान, अरे बोला ना, बोली अल्लाह अकबर बोले। लेकिन अचानक से क्यों मथुआ मुसलमान पर छिड़ी है बंग की जंग में महासंग्राम, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।